नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण मिले, इस बात का बयान सुशील मोदी ने दिया था, जिस बयान के बाद सियासत तेज हो चुका है। बिहार की राजनीति जहां गरमाई हुई है, वहीं बीजेपी के ही अरविंद सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें वो राजद और जेडीयू के मंत्रियों को थेथरलॉजी करते हुए बतला रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुशील मोदी जी ने जो मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब ध्यान देना चाहिए, और राजद और जदयू के जो प्रवक्ता थे थरलौजी कर रहे हैं उसको बंद करके, और महिलाओं का जो 33% आरक्षण देने का इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में जो घोषणा किए थे मुख्यमंत्री जी, उसका पालन करें। 50% आरक्षण निकाय चुनाव में देने का जो घोषणा किए थे उसका पालन करें। सिर्फ घोषणा नहीं करें, उसका पालन करें। और आज इतने लड़कियां, 3000 लड़कियां जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन से जो वंचित हैं, उसको तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करके और उन लड़कियों को एडमिशन कराएं। नहीं तो ये सिर्फ घोषणा करके और आप जो है दया का भीख नहीं दे रहे हैं। जैसे आप जो है नौकरी दिए और इतना कम पैसा दिए कि उनका भरण पोषण ही नहीं चल सकता है, ऐसा काम नहीं कीजिए। भीख नहीं, आप उनका जो है हक दीजिए। तो सुना आपने किस तरीके से अरविंद सिंह राजद और जेडीयू के मंत्रियों का थेथरलॉजी करने का बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से अरविंद सिंह यह कह रहे हैं कि राजद और जेडीयू के मंत्री थेथरलॉजी करते हैं, क्या ऐसा बयान देना सही है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए देसवा न्यूज के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।